हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सेलेंस क्लासेस। आई एम टीचर मोहित पंत। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन की सीरीज करी थी, आज वही सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। आज ये थर्ड लेक्चर है सीरीज का, ठीक है, चलिए से शुरू करते हैं। अच्छा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहे होंगे, कल हमने 49th क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 50th क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करंट थ्रू द 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम करंट में करंट निकालना है, इसको हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 50 क्वेश्चन है, करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं इसमें डायरेक्टली। आपको दिख रहा हो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक जारी 2 में और एक जारी 5 में। हमें करंट किसमें निकालनी, 5 में। करंट निकालो 5 I इज इक्वल टू इतना होगा 10 into, जहां करंट निकाल लो उसको पैरेलल वाले का रेजिस्टेंस। तो 5 में करंट निकालो तो 2 upon 2+5 कितना जाएगा 7, कितना आंसर आएगा 20/7 आ गया, लगभग ये 2 point के आसपास का आंसर। तो उसका आंसर कितना जाएगा, उसका आंसर जाएगा डी वाला। तो 50th का आंसर कितना हो गया डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51th, टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन एल एंड एम इन द फिगर विल बी, ठीक है। इसे क्यों ड्रॉ करते हैं एक बार, फिर इसको बताते हैं। 51 क्वेश्चन है, ठीक है, ये हो गया 2 microfarad का, ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, ठीक है, और एम हो गया, ये 1 का हो गया, फिर ये दोबारा 1 का हो गया, फिर ये दोबारा 1 का हो गया, ठीक है। ये L और ये M, ये 2 है, मैं माइक्रोफेरड नहीं ले रहा हूं, डायरेक्ट काउंट 2 2, दिस इज 1 1 एंड 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये 2 और 1 दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है ऐड, और सीरीज में C1/C2 पर फॉर्म हो जाता है। तो पैरेलल में है, इसको ऐड कर लेते हैं, पैरेलल में ऐड करके कितना आएगा, 2+1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो ये कितना बन गया 3 बन गया। उसके बाद ये दोनों किसमें, आपस में सीरीज में, C1 C2/C2, ये C2 कितना हो जाएगा 3 2 6/3+2 5, तो इसको जोड़ के दोनों कॉम्बिनेशन कितना होगा सीरीज में 6/5 हो गया, 6/5 पैरेलल में 1 है तो ऐड हो जाएगा, तो 1 ऐड कर लेते हैं इसमें, कितना हो जाएगा 1 ऐड करके 5+6 11/5 हो जाएगा, 11/5। अब सीरीज में है C1 C2/C2, तो 11/5 × 2/11/5+2, सॉल्व करते हैं। ऊपर होगा 11 × 2/5, नीचे 10+11 21/5, 5 5 क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 22/21, सही है। तो उसको मिला के हमारा सीरीज को हम कितना 22/21 आ गया। नेक्स्ट इसमें 1 जोड़ लेते हैं, 1 जोड़ना है तो 22/21+1, तो 21+22 हाउ मच 43/21, तो ये लगभग 2 point कुछ इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर, देखो ऑप्शन हो गया 2 point का 2.05, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया डी वाला, कोई दिक्कत, ठीक है ना, सो गया सॉल्व, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट करते हैं 52nd क्वेश्चन, 52 वाला, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 unity coupled कॉइल ऑफ 3 Henry and 4 Henry विल बी। यूनिटी कपल मतलब होता है जो कपलिंग कॉफिशियंट 1 हो गया, K इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन 52 क्वेश्चन का म्यूचुअल फॉर्मूला होता है M = K√L1 × L2। यूनिटी कपल है, ये 1 हो गया, L1 कितना गिवन है भाई देखते हैं, 9, और वो कितना गिवन है 4, तो 9 × 4 36 कितना होता है 6 का, इसका आंसर आ गया 6 Henry, तो आंसर इज हाउ मच सी वाला। नेक्स्ट 53rd क्वेश्चन है, 53rd क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। 53rd क्वेश्चन में एक वोल्टेज सोर्स है 20 वोल्ट का, हमने पूछा है पोटेंशियल निकालो एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे वोल्टेज कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। तो उसको बनाते हैं, एग्जाम्पल बनाता हूं, ये 120 वोल्ट हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया, और ये पॉइंट ऐसा था,
ये 100 ओम हो गया, ये 50 ओम हो गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, हमने बोला है फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट सी एंड अर्थ। ठीक है, आपको अर्थ गिवन नहीं है, जब आपको अर्थ गिवन नहीं है तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, इसको हम अर्थ मानते हैं, तो ये अर्थ है, तो ये अर्थ हो गया आपका। ठीक है, गिवन नहीं होता तो बैटरी के नेगेटिव अर्थ मानते हैं, तो सी और अर्थ के बीच में, सी और अर्थ के बीच में कौन आ रहा है, देखो 50 ओम आ रहा है, तो जो आपकी पोटेंशियल होगा सी और अर्थ के बीच में, वो होगा वोल्टेज वोल्टेज एट 50 वोल्ट। तो जो आपसे पोटेंशियल बिटवीन सी एंड अर्थ पूछा है वो एक्चुअली वोल्टेज है 50 वोल्ट ओम के अक्रॉस। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये 120 वोल्टेज दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, 100 में 50 में, डायरेक्टली हम क्या लगा लेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो पोटेंशियल बिटवीन सी एंड द अर्थ, अर्थ मैं ऐसे दिखा रहा हूं, कितना हो जाएगा 120, एक्चुअली उसको पोटेंशियल एट द पॉइंट ही बोलते हैं, उसको इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, 120 इंटू जहां वोल्टेज निकालो उसका रेजिस्टेंस 50 अपॉन 50 प्लस 100, 150 हो गया है, तो इससे कट गया 3 से काट दो, कितना होगा इसका आंसर, 40 वोल्ट। तो आंसर इसका कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट 54th क्वेश्चन है, 54th क्वेश्चन में क्या बोला है, थ्री रजिस्टर्स आपके पास है, ठीक है, और सबकी जो वैल्यू है वो कितनी है, आर आर और आर है, आर कनेक्टेड इन स्टार, सबको आपने किसमें जोड़ रखा है, स्टार में जोड़ रखा है। ठीक है, थ्री रजिस्टर ईच ऑफ आर आर कनेक्टेड इन स्टार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट डेल्टा, मैंने आपको जो सबसे पहले करवाया था सीरीज उसमें मैंने आपको बताया था, और आपको मैंने स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्म बता रखा है, अगर आपके पास स्टार है सारे आर है, जो आप डेल्टा में जाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, 3 गुना बढ़ जाता है, तो स्टार में अगर आर है तो डेल्टा में कितना हो जाएगा, 3R, तो 54th का आंसर कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा, क्योंकि हम स्टार से कहां जा रहे हैं, डेल्टा, स्टार से डेल्टा जाने में रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 गुना बढ़ जाए, तो उसका आंसर कितना हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट 55th क्वेश्चन है, टू इलेक्ट्रिक बल्ब हैव टंजस्टन फिलामेंट ऑफ सेम थिकनेस, सेम थिकनेस मतलब दोनों का डायमीटर सेम हो तो मतलब दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दो बल्ब आपके पास, एक ए ले लेता हूं एक बी ले लेता हूं, हाँ दोनों का एरिया क्या है, सेम है, इसका भी एरिया सेम है, इसका भी एरिया में ए मान लेता हूं। ठीक है, दोनों टंजस्टन के लिए दोनों सेम, दोनों का दोनों मटेरियल भी सेम होगा। अब बोला है इफ वन गिव्स 60 वॉट एंड अनदर गिव 100 वॉट, ए को मान लेते हैं 60 वॉट का है और ये मान लेते हैं 100 वॉट का है, तो देन 60 वॉट बल्ब एंड 100 वॉट बल्ब फिलामेंट हैव इक्वल लेंथ, 60 वॉट बल्ब फिलामेंट हैज शॉर्टर लेंथ, 100 वॉट बल्ब फिलामेंट हैज लॉन्गर लेंथ एंड 60 वॉट लैंप हैज फिलामेंट लॉन्गर लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं आपके पास, दोनों में टंजस्टन फिलामेंट है, दोनों की थिकनेस सेम है, थिकनेस सेम मतलब दोनों का डायमीटर सेम है, तो दोनों का एरिया भी सेम होगा, एक 60 वाट का है एक 100 वाट का है, तो बताना है कि 60 वाट और 100 वाट का तो ऑप्शन दे रखें कौन सा सही होगा इसमें से, पहला ऑप्शन है 60 वाट एंड 100 वाट का फिलामेंट का लेंथ सेम होगी, या बोलता है कि 60 वाट की लेंथ, बी ऑप्शन है 60 वाट की लेंथ कम है, 100 वाट की लैंप ज्यादा है, या 60 वाट की लेंथ लॉन्गर है, तो इनमें से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें दोनों के रेजिस्टेंस के निकालना है, रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा आएगा उसकी लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखते हैं रेजिस्टेंस किसका ज्यादा किसका कम होगा, देखो इसका 60 वॉट गिवन है इसका 100 वॉट गिवन है, तो मान लीजिए दोनों की वोल्टेज लगभग सेम ही होगी, 240 वोल्ट 240 वोल्ट। ठीक है, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है, जो हम रेटिंग निकालते हैं, इसका मतलब क्या है, जिसकी पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी पावर कम है, मतलब 60 वॉट वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, 100 वॉट वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि जिसके आपको रिलेशन दिखा रहा है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, जिसका पावर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, तो मतलब इसकी पावर कम है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो जो उसकी लेंथ होगी, R इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए भी तो फॉर्मूला होता है, तो जिसका अगर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसकी लेंथ भी क्या होगी हमारे की, ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ, बोलो आप बोलोगे कि 60 वाट वाले बल्ब की लेंथ क्या होगी,
ज्यादा होगी, इसका आंसर हो गया डी वाला। नेक्स्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड R3 फॉर द सर्किट शोन। ठीक है, फाइंड R3 फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर। 56 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सर्किट बना रहे, सर्किट बना लेते हैं जल्दी से। ये R गिवन है, बैटरी वाला आपको गिवन, कितना गिवन नहीं है। ये रेजिस्टेंस गिवन है आपको कितना, 100 ओम। और उसके पैरेलल वाले का रेजिस्टेंस R3, आपको नहीं पता कितना है वो। ये 50 मिली एम्पेयर है, ये 10 मिली एम्पेयर है। ठीक है, तो बोला है R3 कितना होगा। देखो ये 50 मिली एम्पेयर है, यहां से 10 आ रही है, यहां 50 आ रही, तो यहां पे कितनी आ रही होगी, 40 मिली एम्पेयर आ रही होगी। ठीक है, सही है ना। तो मिलके दोनों क्या आ रही है, 50। अभी दोनों पैरेलल में, पैरेलल में तो वोल्टेज क्या रहेगी सेम, तो जो वोल्टेज है वही वोल्टेज इसमें रहेगी। तो यहां वोल्टेज कितनी होगी, 100 × 10 मिली एम्पेयर। और यहां वोल्टेज कितनी होगी, R3 × 40 मिली एम्पेयर। तो मिली मिली काट लेते हैं, एक जीरो काट लो उससे, ये कर गया तुम्हारा 25। तो R3 कितना आ गया भाई, 25 ओम। आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन क्या है, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस, लार्ज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, स्मॉल वैल्यू ऑफ ईएमएफ, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस। जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। तो जो 57 क्वेश्चन है इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, थियोरेटिकल है। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन है, फॉर द लीनियर सर्किट शोन फिगर आर इक्वल टू इन्फिनिटी। तो वी 20 वोल्ट है, आर जब जीरो है तो 1 एम्पेयर है, और आर जब 5 ओम है तो करंट आई कितनी होगी, यह हमें निकालना है। बोला है कि आर जब इन्फिनिटी है, 50 क्वेश्चन है, आर इन्फिनिटी है तो वी 20 वोल्ट है, आर जीरो है तो आई 4 एम्पेयर है, और ये ऐसा है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा बना लेते हैं। पहले यहाँ पर बनाते हैं, 58 क्वेश्चन है, लीनियर सर्किट है। ठीक है, एक सर्किट है जिसका नाम लिखा लीनियर सर्किट। यहाँ वोल्टेज है आपका Vs, कितना आपको नहीं पता। यहाँ पे मेरा लोड लगा है R, इसका नाम क्या है, इसको R बोला है इसने, हाँ R बोला है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसका एक थेवेनिन मॉडल एज्यूम कर लेते हैं अपने मन से, इसका एक थेवेनिन मॉडल अपने मन से एज्यूम कर ले, क्योंकि सर्किट देखो ये लीनियर ये सर्किट है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। क्या पता इसके अंदर ऐसी ब्रांचेस लगी हो, क्या पता इसके अंदर ऐसे सोर्सेज बने हो, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है। ठीक है ना, अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व करने बेस्ट लगेगा कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो उसको सिंप्लीफाई करने का मैंने इसका थेवेनिन मॉडल बना दिया। तो थेवेनिन मॉडल हम क्या बनाते हैं, एक आरटीएच लगाते हैं, और एक क्या लगाते हैं, वीटीएच लगाते हैं। ये वीटीएच हो गया और आरटीएच हो गया, और इस आर को मैंने अब लगा दिया। ठीक है, तो अभी जो सर्किट जो कॉम्प्लेक्स था इसको मैंने सिंपल बना दिया। देखो ध्यान देना, ये लीनियर सर्किट था और थेवेनिन भी लीनियर बाइलेटरल में ही अप्लाई होती है। ठीक है, अच्छा अभी बोला जब आर इन्फिनिटी है तो वी कितना है, वी मतलब उसके क्रॉस जो वोल्टेज है, जो उसके क्रॉस वोल्टेज है वो कितनी है, 20 वोल्ट है। वी यहां वोल्टेज है, वी यहां वोल्टेज है और करंट यहां पर है। ठीक है, वी यहां वोल्टेज है, करंट यहां पर है। तो पहला केस, फर्स्ट केस, जब आर इन्फिनिटी है तो करंट तो जीरो होगी। अब से इन्फिनिटी मतलब ओपन सर्किट, आर इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब ओपन कर दो है। तो जब आप इसको ओपन करोगे आरटीएच को ऐसे, ये वीटीएच हो गया है, ये वीटीएच हो गया, तो जब ये ओपन हो गया तो यहाँ वोल्टेज कितनी मिल रही है आपको, कितनी बोल रहा है, ये बोल रहा है 20 वोल्ट, ये बोल रहा है 20 वोल्ट। तो जो आपको ये वोल्टेज मिल रही है यहाँ पर, ये बेसिकली क्या होगी, वीटीएच होगी। तो इस इक्वेशन से आपको VTH की वैल्यू कितनी मिल गई, 20 वोल्ट मिल गई। तो इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया, VTH मिल गया। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में VTH और RTH की वैल्यू अगर नहीं मिल जाए तो हम पूरा इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो वो सॉल्व करने के लिए हमें इसने दो केस दे रखे हैं। पहला बोल रहा है अगर आर इन्फिनिटी है तो 20 वोल्ट है, उससे मेरा VTH आ गया। अगला बोल रहा है
आर जीरो है तो आई चार एम्पेयर है। अब आर जीरो का मतलब कितना हो गया, शॉर्ट सर्किट, इसको शॉर्ट बना लेते हैं, तो आरटीएच हो गया, ये वीटीएच हो गया, इसको शॉर्ट मार दो ये, तो ये तो आपके ऊपर से कितनी आ गई थी भाई, ये 20 वोल्ट आ गई है, उस केस में करंट कितनी है यहाँ से बताओ, चार एम्पेयर। तो इसके हेल्प से अब आपका आरटीएच आ जाएगा, आरटीएच कितना होगा, वी अपॉन आई, वी कितना है 20 और वो कितना है 4, कितना आ गया 5 ओम, तो आरटीएच कितना आ गया 5 ओम, तो आपको वीटीएच भी मिल गया, आरटीएच मिल गया, वीटीएच कितना है भाई, वीटीएच इज हाउ मच, वीटीएच इज 20 वोल्ट, आरटीएच कितना है 5 ओम, ठीक है। अब क्या बोला उसका सुनते हैं, अब बोला है अब अगर आपने आर लगाया 5 ओम का, अब आपका जो आर की वैल्यू कितनी है 5 ओम में, तो करंट कितनी होगी बताओ, तो कुछ करना ही, देखो सब मिल गया आपको, वीटीएच मिल गया, आरटीएच मिल गया, और आर भी 5 की बन है, आई कितना है 20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 5 पे प्राइस 10 काट लो, इसका आंसर कितना आ गया 2 एम्पीयर। तो जो 58th क्वेश्चन है इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 2 एम्पीयर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ आरएल सच दैट मैक्सिमम पावर पॉसिबल विल ट्रांसफर टू आरएल, ठीक है। नेक्स्ट पेज में इसका डायग्राम है, हमें निकालना है मैक्सिमम पावर के इसमें आरएल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब कुल मिलाकर इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालनी है और आरएल की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, देखो आरएल की वैल्यू निकालनी है, पहले इसको ओपन कर लेते हैं और सोर्सेस को उसके इंटरनल से रिप्लेस कर लेते हैं, करंट सोर्स है तो क्या हो जाएगा भाई, ओपन हो जाएगा, इसको ओपन कर लेते हैं और यहां से क्या निकालेंगे, आर निकाल लेते हैं, इसको यहां से यहां खोलो, तो ये दोनों किसमें आ जाएंगे आपस में, सीरीज में, खींचते हैं पीछे को, ये सीरीज में हो गया 15, ये कितना हो गया 10, 15 और 10 पैरेलल में आ गए तो कितना हो जाएगा, 15 10 पैरेलल में, 10 और 15 पैरेलल में, तो 15 × 10/25 हो गया है, तो 5 × 2 = 5, 5 × 5 = 5, 3 = कितना आंसर, इसका आंसर आ गया 6 ओम, तो आरटीएच 6 ओम आ रहा, तो आरएल की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम पावर के लिए, आरएल इक्वल टू आरटीएच होता है, कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो गया बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट 60 वाला क्वेश्चन है, 60th क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, द सर्किट शोन इन द फिगर, द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इज इक्विवेलेंट टू अ लोड, अच्छा सर्किट बनाते हैं, ये सर्किट मैंने बना लिया यहां पे ऐसा, ये 4 ओम का रेजिस्टर लगा है यहां पे, ठीक हो गया, ये 2 ओम का लगा है और यहां पे एक डिपेंडेंट सोर्स लगा है, इस डिपेंडेंट सोर्स क्या है, बेसिकली इट इज अ करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, यहां वोल्टेज V है और यहां करंट कितनी आ रही है I, ठीक है, तो ये बोल रहा है इट इज इक्वल टू अ लोड, ये किस इक्वल टू लोड है, देखो मान लो ये पूरा एक लोड है, ये एक लोड है मान लेते हैं, इस पूरे को मैं एक लोड रेफर कर लेता हूं, तो ये लोड है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है V और करंट कितनी है I, ठीक है, तो इस पूरे लोड का रेजिस्टेंस कितना है वो हमें निकालना है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो ओम से होता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो आर को कर सकते हो V अपॉन आई, V अपॉन आई, तो अगर आप V अपॉन आई का रेशियो निकाल लो तो ये सर्किट का लोड कितना है, किस लोड की तरफ, कितने लोड, किस टाइप के लोड की तरफ बिहेव कर रहा है, कितनी वैल्यू ऑफ लोड की तरफ बिहेव कर रहा है, ये आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसा लोड मान लिया, यहां वोल्टेज V है, आई है, रेशियो निकालना V अपॉन आई, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर हम V अपॉन आई का रेशियो निकाल लें हमारा निकल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे देखते हैं, अच्छा यहां से जो करंट आ रही है वो कितनी है आई है, ठीक है, अच्छा ये तो आई होगी करंट, हाँ अब इस समय कोई लेन देन भी है नहीं, हाँ हमने आई मान लिया, ठीक है, 2i, अब देखते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं, अच्छा यहां वोल्टेज कितनी है V, यहां वोल्टेज कितनी है V, V है ना, तो यहां वोल्टेज V है 4 ओम के क्रॉस, तो यहां करंट कितनी जाएगी बताओ, V अपॉन R, तो V वोल्टेज R कितना है 4, तो यहां करंट कितनी होगी V बाय 4, सही लिखा है मैंने, ठीक है, वोल्टेज V है भाई यहां पे और रेजिस्टेंस 4 है, तो करंट कितनी आएगी V बाय R,
वी अपॉन वी तो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस आर हो गया। अब यहां से आई आई, आई में से वी बाय फोर यहां चली गई तो बची कितनी, बच गई आई माइनस वी बाय फोर, सही हो गया। यहां से आई आई वी बाय फोर यहां चली गई तो बची आई माइनस वी बाय फोर यहां चली जाएगी, ठीक है। तो करंट ऐसे प्लस माइनस, करंट नीचे प्लस माइनस, उसके अंदर एक लूप चला लेते हैं। तो उसके लूप से निकलोगे आप ऊपर को प्लस टू वाई, इसके प्लस से निकलोगे प्लस टू इंटू आई माइनस वी बाय फोर, फिर यहां से निकलोगे माइनस वी बाय फोर इंटू फोर इक्वल टू जीरो, फोर फोर कैंसिल, टू आई प्लस टू आई माइनस वी बाय टू माइनस वी इक्वल टू जीरो, फोर आई हो गया, टू डिजा फोर थ्री, ऊपर आ गया थ्री आई, थ्री वी बाय टू हो गया, ठीक है। तो फोर को नीचे ले आओ तो ये कितना हो गया, इसको इसके नीचे ले आते हैं, इसको नहीं आया तो ये हो गया, ऊपर ले आओ एट ने थ्री और आई को नीचे ले आओ वी अपॉन आई, तो वी अपॉन आई की वैल्यू कितनी आ गई एट बाय थ्री, और वी अपॉन आई आर था तो आर कितना आ गया एट बाय थ्री, तो उसका आंसर कितना हो गया भाई बी, इसका आंसर हो गया बी वाला, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट 61 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना है, फाइंड आर ए बी, फाइंड आर ए बी निकालना है फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, जो सर्किट आपको शोन है, ठीक है, उस सर्किट जो आपका शोन है उसमें हमें क्या निकालना है, हमें आर ए बी निकालना है। तो देखो ये एक तौर से ब्रिज बन रहा है, देखा जाए इसे, इट इज अ ब्रिज, ब्रिज तो बन रहा है, ये ब्रिज तो ब्रिज बन रहा है, देखो ऐसा ऐसा है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ये 20 ये 15 ये 30 और ये 10, 300 ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बन गया तो बीच वाली बैंक को उठा दो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 61, ठीक है, ब्रिज बन रहा है ना इसमें, तो ब्रिज वाली बैंक को उठा दो, ये हट गई, इसकी रिलेशन निकालना है हमें, हम दोनों बीच में रिलेशन निकालना है, जब इसकी रिलेशन निकालना है तो ये दोनों सीरीज में आएंगे, ये दोनों सीरीज को पीछे खींचो, ऐसे खींचो पीछे को, इन दोनों रिलेशन निकालना, इसको ऊपर खींच दो, इसको खींच के नीचे ले आओ, तो देखो सीरीज सीरीज पैरेलल 20 और 10 30 और 30 और 45 पैरेलल में आ गए, निकाल लो 30 इंटू 45 अपन 30 प्लस 45 75 हो गया है, तो कुछ कटेगा देखते हैं, 15 थ्री जा 15 पाँच जा 5 6 18 उसका आंसर आ गया, तो उसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया ए वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन, क्या बोलता है देखते पढ़ते हैं इसमें, कैलकुलेट द टोटल ससेप्टेंस ऑफ द सर्किट, हमें ससेप्टेंस निकालना है। ससेप्टेंस बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं, हम लिखते हैं इंपीडेंस लिखते हैं ना, इंपीडेंस लिखते हैं, इसलिए मैंने लिखा मैंने ए प्लस जे बी, तो इंपीडेंस का रियल पार्ट होता है रेजिस्टेंस और इमेजिनरी पार्ट होता है रिएक्टेंस। उस जगह हम एडमिटेंस लिखते हैं तो जो उसका रियल पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस, और जो इमेजिनरी पार्ट उसको हम क्या बोलते हैं, ससेप्टेंस बोलते हैं। तो कुल मिला के हमें सर्किट का एडमिटेंस निकालना है, इस पूरे सर्किट का क्या निकालना है, हमें एडमिटेंस निकालना है, और इस एडमिटेंस को हमें क्या करना है, उसका इमेजिनरी पार्ट को अलग करके उसका हमें ससेप्टेंस भी निकालना है, ठीक है। तो पहले सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं, क्या बना एक 3 ओम है, फिर रिएक्टेंस है जे फोर का, ये 3 हो गया, कैपेसिटेंस हो गया जे 10, ये 5 ओम, और ये वोल्टेज लगी यहां पे, ठीक है, कैसा होगा ये देखते हैं। अब एक काम करते हो, पैरेलल में है दोनों, पैरेलल में है तो हम पैरेलल में एडमिटेंस ऐड हो जाते हैं, तो इसका एडमिटेंस मान लेते हैं y1 है, इसका एडमिटेंस कितना है y2, इसका एडमिटेंस y1, इसका एडमिटेंस कितना है y2, तो टोटल एडमिटेंस कितना हो जाएगा y1 प्लस y2, से लिखा मैंने, ठीक है। अच्छा एडमिटेंस,
एडमिटेंस किसका उल्टा होता है? इम्पिडेंस का, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूँ सिंपली 1/Z1 इम्पिडेंस प्लस 1/Z2 इम्पिडेंस, ठीक है। अब वैल्यू डाल देते हैं, पहले वाली कितनी है 1/J+3/4, 1/3+J4। अगले वाली कितनी है भाई 1/5-J10, ठीक हो गया। अब सॉल्व कर ले इसको, तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पैड हो जाएगा 3+J4, पहले ऊपर ले आते हैं 5-J10 प्लस 3+J4, ठीक है। सोच में 15 -30 -J2+40 हो गया, तो 5+3 8, 8-, ये हो जाएगा 6, 15+40 है 55, 9-10, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, तो कोई तो अब समझ गया, अब हमें नीचे वाले पार्ट को अलग करना है, तो हम इसको रेशलाइज कर लेते हैं। वो करने से पहले 5 बाहर कॉमन ले लेते, थोड़ा सन पड़ेगा, तो 5 मेरा बाहर कॉमन ले लिया, ये हो गया 8-J6, 5 बाहर कॉमन ले लिख लिया मैंने 11-J2, रिसेस कर दो 11+J2 रिसेस कर दे, ताकि ताकि नीचे वाला जे वाला पार्ट क्या हट जाए हमारा, क्योंकि हमें इसका एक रियल पार्ट चाहिए और एक इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो रियल और इमेजिनरी अलग पाने के लिए आपका डिनोमिनेटर में कुछ, नीचे भाग में कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसको हटाने के लिए मैंने रेशलाइज कर दिया। सर अपने पढ़ाओ मैथ्स में करते हैं ऐसी है। अब करते हैं सॉल्व, देखो 88+16J-66J -+6×12/5 दिया गया, ए प्लस बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा 121+4, ठीक है, इतना आ गया। तो 88+12 100 हो गया, और 16 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 50, नीचे का 125 हो गया। तो अलग कर ले भाई, 100/5×125 -j 50/5×125, 5 कट गया 10, ठीक है, 5×10 5 2 5 2 25, तो ये आ गया -j/25 के आसपास आ गया। तो जो आपका ससेप्टेंस आ गया, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 2/25, तो आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.08 के आसपास, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया डी वाला भाग, ठीक है। तो आंसर इज डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑपरेटर के अंदर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 50%। तो 63 क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 63rd क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी वाला भाग, विच इज हाउ मच 50%। नेक्स्ट स्केप नेक्स्ट वाला पार्ट का आंसर है, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है? सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू बाइलेटरल नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क, नॉन लीनियर नेटवर्क, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। मैंने आपको जब थ्योरम बताई थी, अगर आपने नहीं पढ़ी तो वहां पढ़ सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम मैंने लाइन लिखा है, इट इज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क ओनली, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन है, यूजिंग मिलमैन थ्योरम्स फाइंड द करंट थ्रू द लोड RL of 3 ohm resistance shown in figure. Millman theorem मैंने पढ़ाई थी आपको directly, इसको आप apply कर सकते हो। तो Millman theorem हम क्या करते हैं, equivalent RTH बनाते हैं और फिर क्या बनाते हैं, VTH बनाते हैं, ठीक है। मैंने आपको formula लिखाई भी था, तो हमें R में निकाला करंट थी फ्लो करेगी 3 ohm में, ठीक है। Millman theorem लगानी इसमें, तो पहले RTH निकाल लेते हैं। RTH क्या होता है? सबका पहले कॉम्बिनेशन, जो भी आप सबका पहले कॉम्बिनेशन कर लोगे आप, तो सबको शॉर्ट मार दो, 3 3 3 3 3 ohm पैरेलल में है, कितना आ रहा है 3 बार, 3/3 कितना जाएगा 1 ohm हो जाएगा, तो RTH कितना हो गया 1 ohm हो गया, ठीक है। फिर क्या निकालना है? VTH, बेटा बताओ मैंने ये कितना होता है, I1+I2+I3 into RTH लिखाया था, फॉर्म बताया था मैंने मिलियन में,
अगर नहीं पढ़ा तो आप मेलमैन थ्योरम देख सकते हो बेसिक इलेक्ट्रिकल में, मैंने वहाँ पूरा उसको समझा रखा है। फॉर्मेट आगे अप्लाई करना है इसको, ठीक है। आई वन कितना था, वी वन अपन आर वन प्लस वी टू अपन आर टू प्लस वी थ्री अपन आर थ्री इंटू आर टी एच। तो वी वन अपन आर वन, वी कितना है आठ, आठ बाय तीन प्लस सोलह बाय तीन प्लस चौबीस बाय तीन इंटू वन। तो 16 प्लस आठ चौबीस, चौबीस प्लस चौबीस अड़चालीस, अड़चालीस बाय तीन कितना हो जाएगा 16, 16 इंटू वन कितना आ गया इसका 16, तो 16 हो गया। करंट निकालनी है कितना जाएगा बताओ, 16 प्लस एक प्लस तीन कितना जाएगा, चार हो गया, 16 अपन चार, चार एम्पीयर इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, बी वाला, ठीक हो गया। तो 65 का जो आंसर है वो हो गया डी। फिर 66 वाला क्वेश्चन है, क्या निकालना है, आरटीएच निकाल रहे हैं। क्वेश्चन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, टर्मिनल है ए और बी वाले, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 15 ओम और ये कितना है 5 ओम और ए और बी, ठीक है। क्या निकालना है, वीटेज और आरटीएच। तो आरटीएच और डायरेक्ट निकाल लो, इसको शॉर्ट मार दोगे, इसको शॉर्ट मार दोगे, इसको ऊपर ले आओ खींच लो, दोनों किस में आ जाएंगे आपस में पहले जाएंगे, तो 5 और 15 पैरेलल में आ जाएंगे। आरटीएच कितना हो जाएगा, 5 और 15 पैरेलल, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 15 अपॉन 5 प्लस 15 20, ठीक है। 5 4 जा 15 बाय 4, तो 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग कुछ मैच करोगे तो लगभग 3.75 इसका आंसर हो गया, 3.75 ओम इज द आंसर। आर्टिकल 3.75 ओम, दो दो ऑप्शन मैच खा रहे हैं, सी और बी वाला। अब निकाला है वीटीएच, वीटीएच क्या होता है, इन दोनों के बीच की वोल्टेज। देखो वीटीएच कैसे निकालोगे देखते हैं, क्या करोगे वीटीएच निकालने के लिए, सबसे पहले आप देखो हमें ए और बी के बीच वोल्टेज निकालनी है, ठीक है, ए और बी निकालनी है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, जो बी पॉइंट है आपको नहीं पता, आपके आवाज उस पॉइंट को अर्थ मान लो, क्या मान लोगे, अर्थ मान लो, ठीक है। तो जब हम किस दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज निकालनी होती है, अगर हम एक अर्थ को मान लेते हैं तो सारा पोटेंशियल जो है कहां चला जाएगा, ए पॉइंट। जब आपके पास दो पॉइंट है ए और बी, आपको यहां वोल्टेज निकालनी है, मान लो यहां वोल्टेज 10 है, तो ये इन दोनों के बीच की वोल्टेज, आप अगर इसको अर्थ मान लोगे तो सारा पोटेंशियल जो है यहां पहुंच जाता है। तो मैंने वही किया, अब मुझे यहां वोल्टेज निकालनी, तो मैं सारा 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 पोटेंशियल यहां शिफ्ट कर दिया, अब मैं वीए निकाल लेता हूं, तो जो मेरा वीए होगा वही मेरी आरटीएच हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं वीटीएच। वीटीएच क्या होगा, बिटवीन द पोटेंशियल ए एंड बी है, तो मैंने क्या, जैसे हमारा पॉइंट ए और बी था यहाँ पे, तो दोबारा बता रहा हूँ, मैंने उसको पढ़ दिया था, ठीक है। अब हमें वीटीएच निकालना है, वीटीएच क्या है, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी का, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए मैंने क्या काम किया, मैंने इस पोटेंशियल को अर्थ मान लिया, तो जो सार पोटेंशियल था कहां पहुंच गया, पॉइंट ए पे। तो VTH सिंपली मैं ले सकता हूं, इक्वल टू कितना हो गया, VA हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जैसे आपके पास एक पॉइंट है A और B, इनके बीच का पोटेंशियल है, मान लेते हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, लेट सपोज अगर आप इसको अर्थ बना दोगे तो जो सारा 10 वोल्ट है कहां पहुंच जाएगा, A में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें बीच की वोल्टेज निकालनी है, तो अगर हमें इस पॉइंट की वोल्टेज निकालना है, तो वही वोल्टेज इन दोनों के बीच में हो जाती है। तो मुझे अब यहां से VA निकालना है, कैसे निकालूंगा, देखो मान लेते हैं कि यहां से करंट फ्लो कर रही है I, ठीक है, यहां फ्लो कर रही है I, I1, और यहां फ्लो कर रही है I2, ठीक है। तो और I1 इक्वल टू I2 होगा, क्योंकि जो करंट यहां जाएगी वही करंट इसमें भी जाएगी, तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2। अब I1 कितनी होगी, देखो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करंट डिवाइडेड, सॉरी ये KCL, करंट यहां जा रही है, यहां पहुंच रही है, तो 10 माइनस VA अपॉन 5 इक्वल टू VA माइनस 20 अपॉन 15, 5 3 जा ऊपर ले आओ, 30 माइनस 3 VA इक्वल टू VA माइनस 20, तो यहां पे आगे 50 हो गया, यहां कितना हो गया 4 VA, इसको आप काट लोगे तो उसका आंसर आएगा 12.5 के आसपास, क्योंकि VA 50/4 आ गया, तो 50/4 कितना 12.5, रेजिस्टेंस RTH है 3.75, आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया सी वाला, आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67th क्वेश्चन है,
द वोल्टेज अक्रॉस 1 kΩ रजिस्टर ऑफ द नेटवर्क शोन इज हाउ मच। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। इसको आप केसीएल से निकाल सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। क्या बोला है सर, द वोल्टेज अक्रॉस 1 kΩ, जो सर्किट में आपको 1 kΩ गिवन है, ठीक है, उसमें वोल्टेज निकाल लेनी है। पहले डायग्राम डाला इसका फटक से, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो किलो में मैं 2 के लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब सारे के में है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, जब सारे के में तो आंसर मिली एम्पेयर में है, तो आप उसको आप नेचुरली आपको पता होना चाहिए। ये 10 वोल्ट हो गया और ये 2 वोल्ट का हो गया है। इसमें बेस्ट तरीका क्या लगा लेते हैं, कैसे लगा लेते हैं, हमें 1 kΩ की वोल्टेज निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो इसको अर्थ मान लेते हैं, यहाँ वोल्टेज मान लेते हैं, मान लेते करंट यहाँ से आ रही है I1, यहाँ से आ रही है I2, यहाँ जा रही है I3। तो कैसे क्या बोलेगा, I1 प्लस I2 इजिकल टू I3। I1 कितनी होगी, 10 V/2, ठीक है, 10 V/2। I2 कितनी होगी, -2, क्योंकि इसकी ऊपर पोलैरिटी माइनस आ रही है, जागरण यहाँ से रही लेकिन मेरे ऊपर पोलेशन माइनस है, तो -2 -V/2। और I3 इक्वल टू कितना हो गया, V -0/1, तो V -0/1 मतलब V/1 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेके 2 को वहां भेज देते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। 10 V -2 -V = 2V, ठीक है, तो ये हो गया 8, ये 2V वहीं आके 4V, तो 4 कैंसिल, 2 V इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो यहाँ वोल्टेज 2 है, इस पॉइंट पोटेंशियल 2 है ना, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, ये पोटेंशियल माइनस ये, तो 2 - 0 कितना आंसर आ गया, 2। आंसर इज हाउ मच, आंसर हो गया आपका 2 Ω। वरना तो आप डायरेक्टली करंट से भी निकाल सकते हो, मैंने यहाँ वोल्टेज निकाल ली है, यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लिया, ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट पोटेंशियल निकाल लिया, और नीचे वाले पॉइंट में क्या है, अर्थ है, तो इस पॉइंट पोटेंशियल क्या होगी, ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ बीसी वोल्टेज कितनी होगी, 2 - 0 2। आंसर इज हाउ मच, आंसर हो गया सर 2, ऑप्शन ए हो गया सर, ठीक है। तो ये 67 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है, इफ इंडक्टर सर्किट इन अ इंडक्टिव सर्किट इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी रिड्यूस बाय हाफ द करंट विल रिड्यूस्ड बाय 4 times doubled half or 1/4। एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी आधी कर दोगे तो करंट की, देखो फ्रीक्वेंसी करंट का फॉर्मूला होता है इंडक्टिव सर्किट में। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 68। इंडक्टिव सर्किट का फॉर्मूला होता है I = V/XL, XL कितना हो गया, 2πfL, ठीक है, तो एफ का डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को आधी कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगी आपकी, ये ऊपर आ जाएगा तो करंट आपकी डबल हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 69th क्वेश्चन, एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट इज वन विच रिसीव्स एनर्जी सप्लाइज एनर्जी डिसिपेट एनर्जी बोथ रिसीव्स एंड सप्लाई एनर्जी। एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो एनर्जी को सप्लाई करता है, एनर्जी को सप्लाई करता है, तो एक्टिव एलिमेंट एक ऐसा सर्किट है जो एनर्जी को सप्लाई करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया आपका बी हो गया। तो 69 क्वेश्चन का आंसर हो गया अगेन बी ऑप्शन। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन वाला है, एक्टिव एलिमेंट हमेशा एनर्जी देगा, लेगा नहीं, इसका क्वेश्चन है 70 वाला, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज व्हेन द सर्किट कंसिस्ट ऑफ पैसिव एलिमेंट ओनली, सिंगल वोल्टेज सोर्स, एक्टिव एलिमेंट ओनली, नंबर ऑफ वोल्टेजेस। ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी आया था, ये उसमें भी थोड़ी लैंग्वेज चेंज थी। ये क्वेश्चन बोला सुपरपोजिशन कब आपकी अप्लाई होगी, जब सर्किट में सिर्फ पैसिव एलिमेंट होंगे या सिर्फ सिंगल वोल्टेज सोर्स होगा या सिर्फ एक्टिव एलिमेंट होगा या बहुत सारे वोल्टेज सोर्स होंगे, तो इसका आंसर डी हो गया, जब सर्किट में एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्सेस होते हैं या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं तभी थ्योरम अप्लाइड होती है, तो इसका आंसर हो गया डी, 70 वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या है, 2 कैपेसिटर C1 C2 का कनेक्ट इन पैरेलल, क्योंकि कितना होगा C1 प्लस C2, पहले में कैपेसिटेंस क्या होता है, आपस में ऐड हो जाते हैं, तो C1 प्लस C2 आएगा, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा C, बहुत सारा क्वेश्चन है। इफ द कपलिंग ऑफ, फिर है 72 वाला क्वेश्चन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द 2 कॉइल्स इज इंक्रीज्ड द म्यूचुअल इफ द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द 2 कॉइल्स इंक्रीज्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल आल्सो, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था,
m इज इक्वल टू कितना, m इज इक्वल टू k अंडर रूट l1 इनटू l2। म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बढ़ाओगे तो k बढ़ जाएगा, k बढ़ जाएगा तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो जाएगा c, इट विल गेट इंक्रीज्ड। 72 का आंसर हो गया c वाला है, 72 का आंसर कितना हो जाएगा, c वाला। फिर 73 लास्ट क्वेश्चन है, अ लीनियर सर्किट इज वन हूज पैरामीटर्स डू नॉट चेंज विद द वोल्टेज एंड करंट, चेंज विद द चेंज इन वोल्टेज, नन ऑफ द अबव। ये बोल रहा है लीनियर सर्किट क्या होता है जिसमें वोल्टेज और करंट चेंज नहीं होती है, जिसमें जो पैरामीटर्स हैं वो करंट और वोल्टेज के चेंज होने से चेंज नहीं होते हैं, करंट के चेंज होने से चेंज हो जाते हैं, वोल्टेज के चेंज होने से चेंज हो जाते हैं, या कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है, लीनियर एलिमेंट वो होता है जिसमें अगर आप वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन को रिवर्स भी कर देते हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप रेजिस्टेंस को ऐसा लगाओ या ऐसा लगाओ, ऐसे में भी अगर उसमें अगर 4 वोल्ट लगाओगे तब भी करंट उतनी फ्लो होगी, उल्टा भी लगाओगे तो करंट उतनी फ्लो लानी है, तो पोलैरिटी चेंज होने से उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका आंसर कितना, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 20 से 24 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। आप अगर अपने कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। आपको हमारा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।